भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और ये गेंद हवा में उछल गई है, लगता है फिर से बाउंड्री के बाहर जाएगी। भीम छोड़ना नहीं, भीम संघर्ष है जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। मेरा बेटा योद्धा है, योद्धा जो चाल हमसे धोखे से छीनी गई है वो फिर से जरूर दिला के रहेगा। हमें पैसे दे दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे। अरे कैसे पैसे? देखिए आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम कैसे क्रिकेट खेलोगे? अरे क्रिकेट तो अमीर और ऊंची जाति के लोगों का खेल है। भुवन काका के कातिल को सजा होनी ही चाहिए और इसके लिए यही एक तरीका है। मैं जानता हूँ ये लड़ाई आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा भी। कर दिया ना भीमराव ने पीछे, तब से बोले जा रहे हो कि नवरत्न जोशी के बराबरी की काबिलियत भीमराव में नहीं है। सच कह रहे थे तुम, भीमराव तो नवरत्न जोशी से बहुत आगे है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया खेले तुम। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, सुरेश। और सुरेश ने आते ही चौका जड़ दिया। नरोत्तम की टीम में तो एक से एक महारथी भरे पड़े हैं। ये देख के झाड़ू नहीं लगा सकते क्या? अरे भाऊ, अरे नमस्कार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ऊंची जात और छोटी जात के लोगों के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा है। अच्छा, चलोगे देखने? अरे क्यों नहीं, देखेंगे कि हम ऊंची जात वाले छोटी जात वालों को कैसा धूल चटाते। तो चलो फिर देखते हैं, मजा आएगा। चलो मैं भी जाता हूँ देखने। अरे क्या देखने जाओगे भाई, ऊंची जात वालों से हमारा क्या मुकाबला? हमारी जात वाले तो वैसे भी हार जाएंगे ना। हमारी जात भले ही हार जाए, लेकिन पहली बार ऊंची जात वालों को चुनौती देने के लिए खड़ी हुई है। बोल तो सही रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ देखने। चलो भीम। हाँ, मैंने तो सोचा था नरोत्तम के आउट होते ही सब खत्म हो जाएंगे ये लोग, लेकिन इनमें तो सबके सब खिलाड़ी भरे हुए। पिछले 3 ओवर में इन्होंने 27 रन बना दिए, अब गेंदबाजी कौन करेगा इनको? मैं करूंगा गेंदबाजी। नहीं, आप गेंदबाजी क्यों करोगे? क्यों? आपको अभी तक एक विकेट भी नहीं मिली है और सबसे महंगे साबित हुए हो, आप गेंदबाजी करने नहीं चाहोगे। तुम भीम की टीम में शामिल होकर खेलो ताकि उसे खेलते हुए दिखाई दो, और खेल का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता है उस हिस्से में तुम हम लोगों के लिए खेलोगे, और उसके बदले मैं तुम्हें एक अलग से खोली दे दूंगा।
अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मेरी निष्ठा उनसे मिली हुई है। मैं निष्ठा की बात नहीं कर रहा हूँ, पर इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं करनी है। बाबा फिर कौन गेंदबाजी करेगा? मुझे भी गेंद दीजिए, मुझे भी गेंदबाजी करनी है। भीम भैया मुझे भी अपने आप को साबित करके दिखाना है। दीपक भीम ये तो बच्चा है, ये बच्चा करेगा गेंदबाजी। अच्छा ये छोटू करेगा बॉलिंग, आओ कराओ बॉलिंग, देखो कैसे बाउंड्री पार मारता हूँ। बाबा किसी भी लड़ाई में आत्मविश्वास नाम का एक हथियार भी होता है, और दीपक में मुझे कुछ कर दिखाने का आत्मविश्वास दिखता है। एक बार इसे गेंदबाजी देके देखते हैं क्या करता है। ले चल। अरे ये क्या, चाल वालों की टीम की ओर से एक बच्चा आया है बॉलिंग करने। बड़े लोगों की पिटाई हुई तो उन्होंने एक बच्चे को आगे कर दिया बॉलिंग करने। देखते हैं अब ये बच्चा चौल को कैसे बचाता है। अंडे में से निकला नहीं, भीमराव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस बच्चे को दे दी। क्यों भीम, अब ये बच्चा आउट करेगा मुझे हैं? आजा पहला बॉल पे छक्का। रामजी ने स्टंपिंग कर दी है और अंपायर से अपील की गई है और अंपायर ने आउट दे दिया है। और ये नरोत्तम टीम की तीसरी विकेट गिर चुकी है और नए बल्लेबाज आ रहे हैं विवेक। और बल्लेबाज ने घुमा के शॉट मारा, गेंद हवा में बहुत ऊपर चली गई है। नहीं। और गेंद के नीचे आ रहे हैं नटवर जो पहले ही 3 कैच गिरा चुके हैं और ये कैच पकड़ना भी इनके बस की बात नहीं है। नटवर पकड़। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, कुछ लेना लेना मन की मशाल। मैंने गेंद पकड़ ली अम्मा, मैंने गेंद पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हैं? क्या नाटक है ये? कैच लेने के बाद इस तरह से कोई माँ से आशीर्वाद लेने जाता है? सर ये कैच लेने भर की खुशी नहीं है, इनको जीवन में पहली बार ये एहसास हुआ है कि ये अपने विरोधी से लड़ सकते हैं, अपने विरोधी को मैदान से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जीवन भर खुद हर जगह से बाहर होते आए हैं ना, इसलिए आज खुश है। खुशी मनाने दीजिए सर, आ जाएंगे वो। आज तूने अपनी अम्मा का दिल जीत लिया। नटवर भाऊ आ जाइए अभी, अच्छे से खेलना जा तू। बाला भैया मत छोड़िए, लीजिए बाला भैया।
चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पांव में छाले सीने में भर साहस और भूख लगा ले लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले चाल वालों के छक्के छुड़ाने आ रहे हैं नए बल्लेबाज नरोत्तम की टीम की स्कोर में एक रन का इजाफा बल्लेबाज ने घुमा के शॉट मारा और भीमराव ने गेंद छोड़ दी तो 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर कुल रन है 152 यानी कि चाल वालों की टीम को बनाने हैं जीतने के लिए कुल 153 रन जो कि असंभव है नामुमकिन है और इन चाल वालों की औकात के बाहर है इनके तो 20 रन भी बन जाए तो गनीमत है देखिए अभी हमें बल्लेबाजी करनी है हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें ऑल आउट नहीं होना है पूरे ओवर खेलने तुम चिंता मत करो भीम हम खेलेंगे और बढ़िया से तोड़ेंगे उनको किसी भी कीमत पर जीतेंगे इस बार बाला भैया सब आप दोनों के हाथों में है शुरुआत अच्छी होगी तभी हम जीत पाएंगे देखिए मैं जानता हूं कि रन्स ज्यादा है लेकिन उन लोगों ने भी ये रन्स 20 ओवरों में ही बनाए और हमें भी 20 ओवरें मिलेंगी बस हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि कैसे हम उनसे एक रन ज्यादा चुराने की कोशिश करें तुम फिक्र मत करो भीम हम पूरी जान लगा देंगे चलो मनोहर काका चलिए मत होइए धैर्य रखिए आप ही तो कहता है ना कि धैर्य से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जीत जाएंगे हम सबसे पहले गेंदबाजी करेंगे उनके कप्तान नरोत्तम जोशी और नरोत्तम जोशी एक तेज गेंदबाज पहली गेंद डालेंगे बाला को और ये कोई रन नहीं क्या बाला बॉल दिख नहीं रही क्या ठीक है बाला भैया कोई बात नहीं दूसरी गेंद लेकर फिर से नरोत्तम जोशी बाला को और ये गेंद देख ही नहीं पाए लगता है नरोत्तम की टीम चाल की टीम को आसानी से धूल चटा देगी और अब तीसरी गेंद बाला ने इसे सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चार रन मिल गया हमें बहुत बढ़िया बाला बहुत बढ़िया हम जीत जाएंगे जरूर नरोत्तम जोशी ने एक और गेंद डाली है और ये गलती से गेंद बल्ले को लगी और उन्होंने जैसे तैसे करके एक रन ले लिया है काका ऐसे पकड़िए बल्ला कमाल की बात है कि बीच मैदान में मनोहर सब्जी वाले को दिखाया जा रहा है कि बल्ला कैसे पकड़ा जाए नरोत्तम जोशी ने गेंद डाली और ये आउट
चाल की टीम का पहला विकेट इसी के साथ गिर चुका है। अगला बल्लेबाज है चाय वाला जनार्दन। जनार्दन काका ओवर हो गई है, आप वहां जाइए। पहली सफल ओवर के बाद दूसरे गेंदबाज आ रहे हैं, प्रभाकर। प्रभाकर ने तेज गेंद डाली, बाला ने जोर से मारी और एक रन ले लिया है। प्रभाकर की अगली बॉल और जनार्दन उसे देख ही नहीं पाया। ऐसे जीतेंगे चाल वाले मैच। और ये चार रन। चार रन और प्रभाकर तेज गेंद डालते हुए जनार्दन चाय वाले को, उन्होंने गेंद को मारने की कोशिश की और ये हिट विकेट हो गए हैं। काका आउट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसे डंडियां उड़ेंगी तो आउट ही होता है। नटवर भाऊ संभाल के गेंद देखिए, फिर मारिए। और अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं नटवर। इनको देख के तो शायद बल्ला भी वजनदार लगता है। लगता है भीमराव नटवर का मजाक बनाने के लिए खेलने लाया है। ऐसे ही रन चुराने होंगे। नरोत्तम जोशी गेंद डालते हुए नटवर को, और नटवर बॉल को समझ नहीं पाए और ये क्लीन बॉल। मुझे नहीं लगता कि चाल वाली टीम 50 रन से ऊपर भी बना पाएगी। दीपक जा। दीपक भीम, दीपक अभी बच्चा है। भीम मैं क्या कह रहा हूं, दीपक को रहने दो, मैं जाता हूं। नहीं काका, मुझे ऐसा लगता है कि दीपक को मौका देके देखते हैं, शायद कुछ करेगा। आप बाद में जाइए। जा दीपक। दीपक कर सकता है दीपक। और अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, ओ एक छोटा सा नादान बच्चा जिसका नाम है दीपक। अरे जो बच्चा पैड पहनकर चल नहीं पा रहा वो रन के लिए क्या दौड़ेगा। कर लेगा तू, हाँ मुझे एक दौड़ लगा के दे। आउट कर दो चलो। और ये नरोत्तम जोशी तैयार दीपक को गेंदबाजी करने के लिए। नरोत्तम जोशी भागे, उन्होंने बॉल डाली और ये क्लीन बॉल। और इसी के साथ छोटी जात वाली टीम यानी भीमराव की टीम का स्कोर हो गया है 5 ओवर की समाप्ति पर 16 रन और 4 विकेट। भीम अब हम जहां तक खेले
जोखू काका, आराम से खेलिए। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं जोखू। और जोखू को गेंदबाजी करेंगे देवेंद्र। देवेंद्र ने गेंद डाली, वो मारने के लिए आ गया है और उन्हें ये गेंद लग गई है। काका, जोखू, वाह वाह,